तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन क्लास 12th चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 बुक एनसीईआरटी और क्वेश्चन का नंबर अगर देखें तो ये 24th क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें एक कोन दिया हुआ है, वी आर गिवन अ कोन हुज वॉल्यूम इज गिवन, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो लीस्ट होगा, कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कोन जिसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है एंड वॉल्यूम इज गिवन, और उसका वॉल्यूम गिवन है कब, जब अल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट टू टाइम रेडियस ऑफ द बेस होगा। तो जब इसकी रेडियस एक्स और हमने हाइट मान ली है वाई, इसी को अल्टीट्यूड बोलते हैं। अजम्पशंस लिखी हुई हैं, एक्स रेडियस, वाई हाइट, एल स्लांट हाइट और सी कर्व सरफेस एरिया और वी है वॉल्यूम। तो हमको पहली चीज ध्यान से देखें, ये जो एल है, इस एल का वैल्यू कितना होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एल का वैल्यू होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस राइट ट्राइंगल में, ओ ए बी इस राइट ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एल का वैल्यू होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या चीज़ है, तो वॉल्यूम है इसका पाई बाय थ्री रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, रेडियस हमने एक्स लिए इसलिए एक्स स्क्वायर, हाइट है वाई, इसको हम दे देते हैं नंबर वन। अब हमारे पास है दोस्तों कर्व सरफेस एरिया, हमें मिनिमाइज क्या करना है, तो मिनिमाइज करना है हमें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया वी हैव अज्यूम्ड एज सी, हमने उसे सी माना है, तो सी की वैल्यू, सी का जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का वो है पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट, पाई रेडियस स्लांट हाइट। तो देखिए हमारी रेडियस जो है हमने अज्यूम की है वो एक्स है, स्लांट हाइट हमारी एल है, एल की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, वो लेस देन जीरो नहीं हो सकता। तो इसका जब स्क्वायर कर देते हैं पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में रूट आए तो स्क्वायर करना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से सुने, अब हम सी स्क्वायर को क्या अज्यूम कर लेते हैं, सी स्क्वायर को हम अज्यूम कर लेते हैं जेड, सी स्क्वायर को हमने जेड अज्यूम कर लिया। अब ध्यान दें आप, जब सी स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो सी मैक्सिमम होगा, जब सी स्क्वायर मिनिमम होगा तो सी मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि ये सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर माइनस में होती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देखें आप, माइनस वन लेस और इक्वल टू साइन थीटा लेस और इक्वल टू वन, अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा आपके पास, तो अब इसकी साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो, जबकि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस वन, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वन, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू उस केस में वन है और साइन थीटा की मिनिमम भी माइनस वन है। तो जब नेगेटिव है साइन थीटा, माइनस वन से वन तक है, तो स्क्वायर करने में प्रॉब्लम होता है, पर अगर साइन थीटा ऐसा हो, मान लीजिए जीरो से लेकर के वन तक हो, तो साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, जीरो से लेके वन तक होगा, तो दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम यू कैन रियलाइज कि सेम है। ये कब पॉसिबल होगा, जब वो नॉन नेगेटिव हो। तो इसी तरीके से सी बींग्स कर्व सरफेस एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम होना एक जैसी बात हो गई। तो इसका मिनिमम और इसका मिनिमम होना एक साथ होगा, इन दोनों का मैक्सिमम होना एक साथ होगा, एक पॉइंट पे होगा, तो इसलिए हमने इसको z मान लिया। अब z इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो y का वैल्यू आप इससे निकाल लें, तो y का वैल्यू आप देखेंगे आएगा 3v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, और वहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा 3v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया 3v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये z का वैल्यू है, तो z की वैल्यू देखिए, z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर x टू द पावर 4, ओके, और वो जो एक्स स्क्वायर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये x टू द पावर 4, तो वो एक्स स्क्वायर ये लिख दिया मैंने, ये एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो ये आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर
अपॉन पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको कैंसिल करेगा तो एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा, ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2। ये जेड है। अब हमारा प्रोसीजर चालू, तो टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो हमें इसमें मिनिमाइज करना है। टू मिनिमाइज जेड वी शैल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, डी जेड बाई डी एक्स होगा पाई स्क्वायर बींग कॉन्स्टेंट बाहर एक्स टू द पावर 4 का 4x क्यूब 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बाहर एक्स टू द पावर माइनस 2 का होगा माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 3। अब डी जेड बाई डी एक्स शुड बी इक्वेटेड विद वॉट, डी जेड बाई डी ए डी जेड बाई डी एक्स को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो नाउ वी शैल इक्वेट डी जेड बाई डी एक्स विद 0। क्यों? क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट वी शैल इक्वेट डी जेड बाई डी एक्स विद 0। और एक यहां पर v की वैल्यू लिखी थी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। v इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो डी जेड बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट किया तो ये हो गया आपके पास पाई स्क्वायर 4x क्यूब, उसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 अपॉन में है पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 3 को आप नीचे भेज दें तो वो हो जाएगा एक्स टू द पावर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दिस इज नॉट 0, या आप ऐसा समझे कि पाई स्क्वायर 0 के अपॉन में चला गया। 4x क्यूब इज इक्वल टू, इसको वहाँ भेज दें 18 अपॉन पाई स्क्वायर वी स्क्वायर इज एक्स क्यूब, अब इसे एक्स क्यूब इंटू आप इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 6। अब 4 को नीचे भेज दें आप, तो 4 को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर 18 अपॉन 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, तो इससे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू देखिएगा क्या आएगी, तो दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ हमें 6 1/6 दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, सिक्स रूट ले लेंगे दोनों तरफ। जब हम सिक्स रूट लेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इसको कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कर देंगे 9/2 पाई स्क्वायर और ये वी स्क्वायर होल टू द पावर 1/6। ये जो x की वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब हमें इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है ये वेरीफाई करने के लिए, तो नाउ टू वेरीफाई जेड इज मिनिमम मींस कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया हमें चाहिए था, तो टू वेरीफाई दैट द कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, टू वेरीफाई सी इज मिनिमम या जेड इज मिनिमम एक ही बात है, क्योंकि z और उन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम होना एक ही चीज़ है, तो टू वेरीफाई c इज़ मिनिमम। अब हम d2z/dx² निकालेंगे, d2z/dx² मीन्स dz/dx का डेरिवेटिव, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है पाई स्क्वायर ब्रैकेट 4x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 4 × 3 12x² ये देखिएगा, ये आपके पास क्या है, ये 9v² अपॉन पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो ये 9v² अपॉन पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स टू ये माइनस 2x टू द पावर माइनस 3, तो ये माइनस 3 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 × 2 = 6 6x², तो ये आ गया आपके पास 6x², आप इसको रब कर सकते हैं, इसका काम हो चुका है। अब हमें x की जगह क्या दोस्तों क्या वैल्यू रखना है, तो x की जगह हम वो वैल्यू रखेंगे, नाउ एट x इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2π² टू द पावर 1/6। इस x की वैल्यू पे हमारे पास d2z/dx² क्या होगा, तो d2z/dx² आपको एक बार सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, पाई स्क्वायर ब्रैकेट 12 टाइम्स x², तो 12x का वैल्यू 9v² अपॉन 2π²
टू द पावर 1/6 और उसका भी स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/6 हो जाएगा। प्लस यही वैल्यू यहाँ भी डाल दें आप, तो ये हो जाएगा 9v² अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 6x², तो x का वैल्यू 9v² अपॉन 2π² टू द पावर 1/6 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ भी आ जाएगा 2/6। ये दोनों वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज़, ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि c इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू दिस मच। c क्या होगा? मिनिमम होगा, तो ध्यान से देखिए, देयरफॉर c इज मिनिमम मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, देयरफॉर c इज मिनिमम या लीस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 9v² 2π² होल टू द पावर 1/6, या फिर दोनों तरफ 6 पावर ले लें तो ये 1/6 हट जाएगा, ऐसे करके 6 पावर ले लेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/6 इंटू 6 होगा 6/6, तो ये आ जाएगा 9v² बॉन्ड 2π². अब आप यहाँ v की वैल्यू डाल दें जो वो लिखी हुई थी, तो हो जाएगा 9/2π² v का वैल्यू आप देखिएगा π/3x²y² तो x टू द पावर क्या आया हमारे पास दोस्तों, x टू द पावर आया 6, 9 अपॉन 2π² इंटू स्क्वायर ऑफ दिस π² / 9 x²/4y². अब देखिए कौन कौन किससे कैंसिल होगा, π² से कैंसिल हो गया, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 4 को आप उधर ला सकते हैं या डायरेक्ट कैंसिल कर दें, x टू द पावर 4 से ये कैंसिल हो गया तो x² बचेगा, 2 को इधर भेज दें, तो जब 2 को आप उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू y² y² की वैल्यू आ गई 2x², तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट ऑफ दिस, लेकिन हम y बीइंग डिस्टेंस हम केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √2x², तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास √2 टाइम्स x, मतलब ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, यही हमें प्रूव करना था, ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो आखिरी में ये बात हुई कि द कर्व्ड सरफेस एरिया इज लीस्ट व्हेन ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो दोस्तों ये था इसका सोल्यूशन, ये था इसका प्रूफ, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़ें, दोस्तों को आगे बढ़ाएं और खूब पढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे व्हाट्सअप कर दें, मैसेज लिख दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।